मर्जियों पे अब हम चले। राधिका चलो। माला, जिस चिंता की वजह से तू छोटी को वापस बुला रही है कि वो चिंता तुम्हें यहाँ नहीं खाएगी, तुझे भरोसा है कि ऋषिकेश में कुछ नहीं होगा? अरे जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो केवल अपने बच्चों को उस होनी से जूझने की हिम्मत दे सकते हैं। लेकिन मुझ में देने के लिए हिम्मत नहीं है पापा जी। राधिका, राधिका मत जाओ ना, मत मानो आंटी की बात यार। माँ बाप जब अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं ना, वो भरोसा हमें पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत देता है। उनकी मर्जी के बगैर क्या रहने की हिम्मत करके मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मेरे सपने उनके भरोसे से बड़े नहीं है कृतिका। राधिका प्लीज मत जाओ ना। माँ ने बुलाया है जुबिन, जाना तो पड़ेगा ना। थैंक यू सुमारा, कोशिश करने के लिए। विश में तुम्हारे लिए कुछ और कर पाती, सब मेरी वजह से हुआ है। I'm really sorry, राधिका। I'm sorry. ना मैं तुम्हारे पीछे पड़ती, ना तुम्हारी मॉम को टेंशन हो जाती। I'm sorry. तुम्हारी वजह से नहीं सुमेरा, ये तो हर माँ बाप की हालत होती है। जब माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर भेजते हैं ना, तो अपनी डर, अपनी हर शंका वो बस जैसे दिल में कैद कर देते हैं। कि उसकी परछाई भी उनके बच्चे पर ना पड़े, अपना चैन, अपना आराम बस एक बस्ते में बंद करके उनको भेज देते हैं। अगर मेरे यहाँ रहने से मेरी माँ की सांसें अटकी रहेंगी तो मैं कैसे चैन की सांस लू पाऊंगी? जब कोशिशों के पैर थक जाएंगे सपनों के पंख मंजिल तक पहुंचाएंगे। यही पंक्ति थी ना छोटी? माँ, गलत लिखा तुमने छोटी। सपनों के पंख मंजिल तक नहीं पहुंचाते, अपनों का साथ मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब तक अपने साथ हो कोई मंजिल दूर नहीं होती बेटा।
अपने तेरे साथ हैं। वो संस्कार ही क्या जिन पे भरोसा ना किया जाए। मुझे अपने संस्कारों पे पूरा भरोसा है। छोटी, मुझे तुझ पे भरोसा है। समायरा। जी आंटी, मेरी छोटी का ख्याल रखोगी ना? यस आंटी। तुम लोगों ने छोटी को रख तो लिया है, जरा मैं भी तो देखूं कैसे झेलोगे इसे। पता है ना, समय पे उठने की आदत नहीं है इसे। अलार्म मैं लगा दूंगी। सामान चाहे जितना भी फैला लो, समय इतना नहीं आता इसे। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने शब्दों में ये ऐसी खो जाएगी कि ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ये। मैं हूं ना, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा। तो ठीक है, अब छोटी तुम्हारी जिम्मेदारी। चार दिन के बाद मुझे फोन करके इसकी शिकायत मत लगाना। मैं उसे बुलाऊंगी नहीं यहाँ पे। और हम इसे जाने भी नहीं देंगे आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक्स मां। थैंक यू छोटी। आज तूने मेरी पहचान मेरी अंदर छुपी हुई ताकत से करा दी। डर कम नहीं हुआ है, मगर उसे लड़ने की ताकत तुमसे मिली है। समायरा। यस आंटी। अब तुम छोटी के हवाले और ये हम सब के हवाले। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच। So, गैस चल रहा है। ओके। बर्तन तो है लेकिन पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। और किराने का सामान लेके आना पड़ेगा, दाल चावल तेल सब्जी सब कुछ। हाँ, सब कुछ लाना पड़ेगा। ओके, तो तुम एक काम करो, तुम लिस्ट बनाओ, मैं जनता को काम पे लगाती हूँ। ओके? ओके? और फिर हम जाएंगे शॉपिंग पे, हमारी घर की पहली शॉपिंग। गाइस, ओके, लिसन लिसन अप, हमारे सिवाय इस घर में और कुछ नहीं है, तो लेट्स गो शॉपिंग। शॉपिंग? हेलो, काम कौन करेगा? शॉपिंग नहीं होगी। मेबलिन यो का काम खत्म करना है, एटलीस्ट सबको मौका मिलना चाहिए इस पर। फाइन, राधिका ऑफिस से आते हुए शॉपिंग जाएंगे, अभी काम करना है, बॉस का ऑर्डर है। ये फाइल करना, ऑफिस में देना मुझे। पानी पीना है?
ना मुझे तो पीना है, मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे भी पीना, मुझे भी पीना। राधिका बॉस और सैम के बीच का युद्ध खत्म कब होगा? ये युद्ध तो खत्म करवाना ही पड़ेगा। जब सैम और नील लड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि खुशी ने मानो कहीं सर छुपा लिया है। अरे जान ला ना पानी का, जल्दी ला। अरे वो सब तो ठीक है पर ये दोनों तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। फिर वही करवाना पड़ेगा। Let's go, come on. Sam, Neen, आज घर पे ही रहते हैं ना? राधिका तुमने सुना नहीं? हमें ऑफिस जाकर काम करना है, right? काम तो यहाँ भी हो सकता है, और पूरी टीम भी तो यही है। वैसे भी मेरी मंजली मासी कहती है कि जिस दिन घर में पहला कदम रखो उस दिन घर को अकेला नहीं छोड़ते। यार चाशनी तुम्हारा घर ना भाग के नहीं जाएगा कहीं, वैसे भी बहुत काम है यार। चलो लेट्स गो। बॉस प्लीज ना यहाँ पे बैठते ना, क्या पता एक अलग एटमॉस्फेयर में कोई अलग आइडिया आ जाए। प्लीज ना बॉस प्लीज। और मैं सबके लिए आलू पूरी बनाऊंगी। आलू पूरी? नील सुपर आइडिया, यही काम करते ना प्लीज। प्लीज बॉस, आई प्रॉमिस जब तक हम लोग अपना काम खत्म नहीं कर लेंगे ना हम लोग ऐसे हिलेंगे भी नहीं। राइट राइट बिल्कुल बिल्कुल। यार तुम लोग बनाओ यार आलू पूरी, मैं ऑफिस जाकर ना जरा प्रेजेंटेशन के सामान लेकर आऊंगा। तुम लोग हमें ना उसके लिए हम किस लिए? क्या सामान तो है ही नहीं, शॉपिंग करनी पड़ेगी। ओके सो तुम जाओ, मैं यहाँ काम करती हूँ। लेकिन चलो मैं ले चलता हूँ। पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मंजली मौसी ने घर अकेला छोड़ने से मना किया है ना। हाँ तो मैं हूँ ना, तुम यहाँ रह के क्या करोगी? मौसी तो मेरी है ना, और तुम तो उन्हें जानती भी नहीं हो। मुझे ही रहना पड़ेगा। फाइन, तुम लिस्ट एसएमएस कर दो। अरे नील तुम भी जाओ। वो मैं क्या करूंगा, वो इतना सारा सामान लेके कैसे आएगी? अरे वो कर लेगी वो। नहीं जल्दी जाओ, चलो जाओ, ये सामान मुझे दो, तुम जाओ। चलो चलो चलिए जाओ चलिए जाओ। पता है सैम और नील जब लड़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि खुशी कहीं खोसी गई है। मुझे भी ऐसी दोस्ती मिलेगी ना दादाजी? आज रात डिनर पे चलें? आज नहीं बोनी, आज एक जरूरी मीटिंग है, क्लाइंट के साथ एक डील एंड करनी है। दोस्ती कोई हमारी खोई हुई चप्पल थोड़ी है, जैसे ढूंढने जाओगी तो मिल जाएगी। जब दोस्त सामने आएगा तो तेरे लिए दुनिया से लड़ जाएगा, तो दोस्ती अपने आप हो जाएगी। छोटे हाँ? मंदिर सजाए कि नहीं? वो तो मैं भूल ही गई। अरे पापा जी से तो बात होती ही रहेगी, जा जल्दी से मंदिर सजा, नया घर है, दिया जला। जी माँ। ठीक है दादाजी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय।
है।